हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर से मंदिर, बाकी सामने जरा व्यू दिख रहे हो यार। राइट साइड खाई, लेफ्ट साइड खाई, एकदम बीच में चल रहे हैं हम पहाड़ के ऊपर। ना वैसे तो हर मंदिर सुंदर होता है, लेकिन भाई ये बहुत डिफरेंट है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ। ना ये व्यू मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मतलब बिल्कुल कुदरत का करिश्मा बोल सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं होगा ये बोलना। ऐसे कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई। शायद से हम लोग मंदिर जो है अब पहुंचने वाले। अरे भाई साहब, ये रहा सामने अपना मंदिर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर से मंदिर। मैं कसम से बताऊंगा ना, जब मैंने इसकी फोटो देखी भाई, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो था वाह। अभी आप लोग को वीडियो दिखाई दे रही होगी, मतलब क्या आर्किटेक्चर है यार, क्या आर्किटेक्चर है। तो यही देखने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं बिसोई टेम्पल, जो कि हमारे चकराता में पड़ता है। एग्जैक्टली चकराता में तो नहीं है, लेकिन उसी साइड पड़ता है। तो आज लेके चलते हैं आप लोग को वहां पे। लेकिन बीच रास्ते में हमारा क्रैश हो गया। तो जो काम पिछली वीडियो में अधूरा रह गया था, उसको करते हैं आज कंप्लीट। तो गाइस देखो, यही चलता रहता है लाइफ में। देखो, गिर के ही इंसान को सीख मिलती है, तजुर्बा मिलता है। लेकिन कसम से ना, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने क्लच गलती से छूट गया मेरे हाथ से और गाड़ी रुकी, और बस फिर सारा वेट जो है मेरी टांगों में आया और फिर काम हो गया बस। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, होता रहता है लाइफ में, कभी ऊपर तो नीचे होना होगा शायद। ये तो हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इस बात को साइड करते हैं। बाइक में ज्यादा कुछ लगा भी नहीं है, हल्का सा टेढ़ा हो गया शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ढीला भी हो गया ना, ये ऐसे मोड़ने लग गया। तो दिखवा देंगे इसको एक बार, बाकी चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं। तो भैया भैया, हम लोग ना ये मैप देखने के लिए रुके थे कि कहाँ पे एग्जैक्टली जाना है। बाकी सामने जरा व्यू दिख रहे हो यार, कितना जरा बढ़िया लग रहा है। बीच में ये सड़क देखो, और यहाँ के पहाड़ भाई वेजिटेशन ही नहीं है, बिल्कुल गंजे पहाड़ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट से लग रहे हैं। येलो कलर के हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी अभी यहाँ से 15 किलोमीटर अब दिखा रहा है ये। पता नहीं गूगल में आपको नशे हो रहे हैं या हमें नशे हो रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहा है कभी कुछ दिखा रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसे 50 कर दो, अपने पास तो हिमालयन है, चलते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई व्यू तो अल्टीमेट है चारों तरफ, कुछ भी कह लो। भाई ये बादलों की स्पीड पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमें आंखों से ना बादल इतनी स्पीड से उड़ रहे हैं ना भाई। और ये व्यू तो खैर अल्टीमेट लग रहा है भाई, अल्टीमेट। और अभी मुझे एक और कमाल की चीज दिखी है, अभी थोड़े दिनों पहले ना मैं शिलगुर महाराज टेम्पल आया था, और वो देखो सामने एकदम टॉप में आपको अगर दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का, तो वही वो मंदिर था। तो अभी हम लोग उसी मंदिर के काफी करीब है। और ये देखो भाई, अभी हम खाए राइट साइड खाई, लेफ्ट साइड खाई, एकदम बीच में चल रहे हैं हम पहाड़ के ऊपर। ओ जी, वक्त तो बदल गया, जज्बात बदल गए और बदल गया है मौसम। बाप रे, इस मोड़ के बाद तो मुझे लग रहा है खतरनाक मौसम होने वाला है। अरे बाप रे, ये देख लो भाई, ये देखो भयंकर। अभी तक क्या धूप आ रही थी, नीला आसमान था, अब नीला आसमान देखो सिर्फ कोने में रह गया, बाकी हमारे बगल में तो बादल उड़ रहे हैं भाई। भाई पर यार व्यू क्या अल्टीमेट व्यू लग रहे हैं यार, क्या अल्टीमेट, मतलब बाद में तो चार चांद लगा दिए इसमें यार। सामने देख, यहाँ से हिमालय दिख रहे हैं भाई, क्या भयंकर। ये तो रुक के दिखाने वाली चीज है भाई। तो भाई अभी हम लोग ना खड़े हैं बैराट खाई, इस जगह का नाम है। बाकी यहाँ से ना हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है भयंकर, मतलब फोन में शायद बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आंखों से तो भाई अलग लेवल का दिखाई दे रहा है। तो दगड़ी देखो, यहाँ पे बोर्ड लगा है यमुनोत्री 140 किलोमीटर, मसूरी 54 किलोमीटर। और यहाँ पे बाइक कौन सी खड़ी है भाई, इतनी खतरनाक सी, ये तो ओह माय गॉड, ट्रायम्फ की खड़ी है कोई भयंकर एकदम। बाकी दगड़ी अभी यहाँ से ना 8 किलोमीटर हमारा रहता है, लेकिन भाई ये हिमालयस रेंज तो भयंकर दिखाई दे रही है यार। और भाई ठंड यहाँ पे अलग लेवल हो रही है भाई, अभी तक बिल्कुल ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे ही अब यहाँ है ना हम लोग, शायद हवा चल रही है सीधा हिमालय से टकरा के आ रही है मेरे ख्याल से, तो ये बता भी तुम, ठंडी लग रही है भयंकर यहाँ। बिसोई अच्छा नीचे ली, ठीक है ओके थैंक यू भाई। देखो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोगों से पूछ लो, भटकने से तो अच्छा ही है भाई। पर यहाँ के नज़ारे भाई एक नंबर है भाई, एक नंबर। तो ये रहा सामने बोर्ड, बिसोई 3.5 किलोमीटर्स। हाँ, तो अभी हमें जाना है यहाँ, और जरा सामने का व्यू देखो भाई, हाय हाय हाय, क्या बढ़िया व्यू है यार। ओके जी दगड़ियों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिसोई मासु देवता टेम्पल। सामने मुझे दिख गया है टेम्पल, और ये वही प्यारा सा गांव है जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो चलिए अब गाड़ी वगैरह लगाते हैं, बाकी यहाँ पे खेत देखो जरा, और सामने का व्यू देखो, मतलब यार इन लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो जी ये खड़ी कर दी हम लोगों ने यहाँ पे अपना बगीरा, भाई लेकिन पीछे का व्यू देखो ना यार, ये खेत देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लोकेशन पे है, और सामने देखो जरा क्या बढ़िया पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।
और यहाँ पे है हमारा का पूरा बिसोई गांव जहाँ पे टेंपल है बेसिकली। वैसे तो मंदिर का मेन रास्ता ना आगे से है, लेकिन हम गांव के अंदर से जा रहे हैं सो दैट गांव भी देख लें थोड़ा बहुत। ये देखो भाई यहाँ पे घर देखो कैसे बने हुए, पत्थर के घर हैं और ऊपर लकड़ी का बना हुआ है ये रास्ता ना, ये देखो। शायद से हम लोग मंदिर जो है अब पहुंचने वाले। अरे भाई साहब ये रहा सामने अपना मंदिर। अभी ना हम इस मंदिर के ऊपर खड़े हुए और मंदिर भाई पूरा का पूरा ना लकड़ी का बन रखा है। और जरा ये देखो भाई पूरे मंदिर में ऐसे स्कल्पचर्स देखो, ऐसे वो रखे कार्व्ड रखे हैं लकड़ी में वो भी। बाप रे ये देखो ना भाई ऐसा लग रहा है जैसे हम ना इसे महल में खड़े किसी महल में ना। वैसे तो हर मंदिर सुंदर होता है लेकिन भाई ये बहुत डिफरेंट है, मतलब मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसा कुछ। कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं और कितनी ज्यादा सुंदर है। और इसी के अपोजिट देखो यहाँ पे एक और बिल्डिंग है जो कि गोल्ड कलर की है और सामने वो तीन घर देखो कितने ज्यादा प्यारे रंग बिरंगे से लग रहे हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर है ना मेरे ख्याल से काफी सालों पुराना है भाई, पर ये मंदिर तो अल्टीमेट लग रहा है कुछ भी करो, इतना ह्यूज मंदिर है। तो मंदिर के हमारे दर्शन हो चुके हैं, बाकी मैंने पंडित जी से भी पूछा कि ये मंदिर कितने साल पुराना है, तो ये ज्यादा पुराना नहीं है, 2008 में ये बना था, मतलब रेनोवेट हुआ था बेसिकली। पहले ये मंदिर ऐसा नहीं दिखता था, पहले जो तीन घर दिखाई दे रहे हैं आप लोग को वहाँ पे जो ये कितने ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा पुराने घर है, तो वैसा ये मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसको रेनोवेट करके ऐसा बना दिया गया। लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है भाई। ये भेड़ है ना भाई ऐसा डरा रहा है ना, ऐसा लग रहा है ओए हट भाई, ये बकरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है तो समझ गया हूँ, कंटिन्यूसली मुझे घूर रहा है और मेरे पीछे बड़ा हुआ तब से भाई। ये था हमारा वासुदेव का टेम्पल बिसोई, ये बहुत ज्यादा सुंदर था। लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से चलते हैं घर, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है अभी। ये देखे देखे देखो देखो भाई यहाँ आ जा मेरे घर चल जा भाई। कितने लकी लोग हैं यार ये, मतलब इतनी सुंदर जगह पे गाँव है ना। और यहाँ देखो इस गांव के पीछे की तरफ बिल्कुल खाली है, एकदम पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और सामने तो इवन हिमालय तक भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज़रा सुंदर लग रहे हैं। तो जी ये हम लोग निकल चुके हैं बिसोई से अपने घर की ओर, और अभी तक ना आते हुए बहुत ज़्यादा हेज था, लेकिन जाते हुए अभी सनसेट का टाइम है तो बहुत ज़रा सुंदर लगेगा, तो इसलिए आप लोग को वो दिखाएंगे। लेकिन भाई ये गाँव बहुत ज़रा सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा। और न जाने ऐसे कितने गाँव होंगे जो इतने सुंदर होंगे लेकिन लोगों को पता ही नहीं होगा। और मुझे ये भी पता है कि ये गाँव भी ना किसी को, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा इस मंदिर के बारे में। बाकी कैसी लगी आप लोग को जगह मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हम लोग ना बैराट खाई पहुंच चुके हैं और कसम से ना उस टेंपल से लेके यहाँ तक भाई बहुत ठंडा भाई, बहुत एक्सट्रीम ठंडा। लेकिन अभी ना बहुत ही बढ़िया धूप पड़ रही थी, हमने थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। बाकी अभी यहाँ से व्यू भी जो है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, जो कि मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो भाई वहाँ पे देखो अपना सूरज है भाई, नीचे देखो ना हल्के हल्के बादल से हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो एकदम क्लियर हो गया। इस टाइम जब हम आए थे ना तो यहाँ पे भी हल्का हल्का फॉग फॉग हो रहा था, लेकिन अभी फॉग जो है वो हट गया है, बाकी फॉग अब सिर्फ नीचे रह गया और इतना सुंदर लग रहा है ना। तो वैसे तो मन मेरा कर रहा है ना यहीं बैठ के सनसेट एंजॉय करें, लेकिन सच में लेट हो रही है, अंधेरे से पहले हम लोग को घर पहुंचना है, वैसे तो मुश्किल है वो चीज़, लेकिन फिर भी टाइम से तो एटलीस्ट घर पहुंच जाएंगे। लेकिन चलो कोई नहीं, रास्ते में दिख जाएगा ऐसे नज़ारे तो वहां पे रुक के आप लोग को जो है सनसेट दिखा देंगे और खुद भी देख लेंगे। बाकी चलिए चलते हैं यहां से अब घर की ओर। भाई ये क्या सुंदर लग रहा है भयंकर, हमें अभी तक लग रहा था ये फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं है भाई, ये तो बादल निकले हैं। और सामने देखो कितना ज्यादा क्लियर हो गया आसमान अब। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन अभी रास्ते में भाई इतना सुंदर लग रहा है ना ये, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से सनसेट जो है वो बहुत बढ़िया दिखने वाला है। तो भैया मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, थोड़ा लेट हो जाएंगे लेकिन चलता है भैया। पहले तो आप लोग को मैं व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो भाई अब बताओ इस व्यू को छोड़ के मैं घर कैसे चले जाऊँ, कसम से बता रहा हूँ। जब ये सन नीचे जाएगा ना, जब ऑरेंज लाइट फैलेगी इन बादलों के ऊपर, इतना ज्यादा बढ़िया लगेगा ना। बाकी ये बादल है जो नीचे सफेद सफेद दिखाई दे रहा है ना, भाई ये तो धीरे धीरे करके ना इतना ज़रा सुंदर। अभी देखो गोल्डन गोल्डन सी लाइट जो है वो स्टार्ट होगी फैलना। बाकी मैंने आप लोग के लिए देखो टाइमलेस यहाँ पे रख दिया है, तो बहुत सुंदर टाइमलेस आप जो है वो एंजॉय करने वाले हो। बाकी हम लोग भी ना सनसेट को बैठ के यहाँ पे एंजॉय करते हैं, थोड़ी वगैरह रील वगैरह बनाते हैं। तो अगर आप लोग को यहाँ की रील वगैरह देखनी है तो वो आपको मिलेगी इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे आ रही होगी। वेल सी यू क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ठीक है फिर, जब तक आप लोग ये टाइमलेस एंजॉय करते हो, बाकी हम लोग एंजॉय करते हैं ये सनसेट।
तो अभी हम लोग उस पॉइंट पे आ गए ना जहाँ पे सन जो है थोड़ी सी ही देर में सेट होने वाला है। बाकी अब बादलों पे ना हल्की हल्की जो है वो लाइट पड़ने लगी है, वो दिखाता हूँ अभी आप लोग को मैं। ये देखो भाई, और सच्ची बताऊंगा ना ये व्यू मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसमें बादल देखो पूरे के पूरे नीचे हैं, ऊपर अपना नीला आसमान और वहां पे देखो सूरज। मतलब ये बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक व्यू है भाई, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा व्यू। किस्मत वाले को बोल सकते हो, और किस्मत वाले तुम्हारा भाई है, मतलब बिल्कुल कुदरत का करिश्मा बोल सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं होगा ये बोलना। ऐसे कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई, मेरा तो मन कर रहा है ना भाई ड्राइव मार लूं इन बादलों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र होगा बिल्कुल एकदम, पूरा सफेद चादर बिछी हुई भाई। देख ही लिया होगा आप लोगों ने टाइम लैप्स, बाकी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। लेकिन मेरा तो भाई लाइफ का कुछ एक घंटा हम लोगों ने यहाँ बिताया होगा, और सच मेरा एक एक मिनट यहाँ पे गुजारा हुआ इतना ज्यादा सुंदर था ना भाई, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मजा आया। बाकी चलिए अब जल्दी से भागते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रही है क्या लेट? गाली होंगी मैं घर पे। यार गाली तो कभी कभी चलती है, देखो यार कहीं इतनी दूर आए, वो कौन सा डायलॉग था? लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा यार, तो क्यों ना इसी पल को एंजॉय करा जाए। यू गाइस क्या कहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी चलिए हेलमेट वगैरह पहनते हैं और फिर मैं करता हूं आप लोगों से बात। आज इस नजारे को देख के ना बस मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है, और वो गाना है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। जमाना पीछे तो नहीं है, आरती बैठी है फिलहाल तो पीछे। तो दगड़ियों ये था हमारा चक्रा था, बाकी आज हम बहुत ज्यादा लगी थे ऐसा नजारा देखने के लिए। किस्मत वालों को ऐसा नजारा देखने को मिलता है, और हम आज थे किस्मत वाले। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम यहाँ से निकलते हैं अब घर, तो एक काम करते हैं इन्हीं खूबसूरत नजारों के साथ इस वीडियो करते हैं, आपसे मिलते हैं अब अगली वाली वीडियो में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर दगड़ियों।